अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर जहां लोगों के बीच में उत्साह है, वहीं मैच के नाम को लेकर सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है। जहां मैच के ठीक एक दिन पहले इसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया, वहीं दूसरे दिन मैच के ठीक पहले यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कुछ नौजवान हैं, वो यहाँ पे अखिलेश के नाम के जयकारे लगा रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर ये यहाँ पे क्यों अखिलेश के नाम के जयकारे लगा रहे हैं। हम अखिलेश के नाम के जयकारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह स्टेडियम अखिलेश की सरकार में ही बना है, भाजपा सरकार में नहीं बना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम क्यों रखा गया? हम अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन मैच के एक दिन पहले क्यों उनका नाम रखा गया और सारा क्रेडिट भाजपा क्यों ले रही है? हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह स्टेडियम अखिलेश जी ने बनवाया, हमें उन्हें गर्व है कि लखनऊ में ऐसा माहौल पैदा किया है कि हम सारे युवा मैच देख सकते हैं। भारत माता की। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि नौजवानों को इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि ये इन स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर रखा गया, लेकिन इस बात का इन्हें गम जरूर है कि आखिर अखिलेश को इसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया जा रहा है। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।